लेकिन यहाँ प्रशासन सुनता नहीं है। नी राम के जो भगत आते हैं वो इस गंध को देख करके आना भी बंद कर गए हैं, क्योंकि इन सबकी गुट्ठी बन चुकी है, एक सबकी उंगली फंस चुकी है भी, आप मुझे कमीशन देंगे, आप हमें कमीशन देंगे, तो उस प्रकार से ऐसे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जिन गौओं की गोद में खेले वो गौएं आज उसी मंदिर के नजदीक पड़े गंध के अंदर कुरड़ी के ऊपर गंध खाने को मजबूर है। कुर्स करने आया था ना जी, वो क्या कहता है यहाँ पार्किंग बनेगी, आज तक तो बनी नहीं पार्किंग, बताओ कोई एक ईंट भी लाइयो, वो पार्किंग तो जब बनेगी जब यहाँ कोई देखने आएगा, वो 8 अगस्त को मुहूर्त करके गया था, उस दिन के बाद तो आया गेड़ा को नहीं मारा इसका नहीं। और इस जगह जहाँ राम मंदिर है अगर वही जानबूझ कर प्रशासन ही गंध डालेगा तो फिर क्या करेंगी पब्लिक? 5 साल अरे सरकार को भी दिख रहा है पर उनको खाने का ढंग मिल रहा है ना, खाना भी तो है ना। प्रशासन क्या है तो सारा अपना अपना जेब भरने के लिए बैठे हुए हैं, सभी को अपना दिखता है, बोलते हैं ना यहाँ भाई भ्रष्ट नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, सारा जीता जाता उदाहरण है यहाँ पर, ये भ्रष्टाचार की ही देन है ये सारा कुछ। क्या भगवान श्री राम के चरणों के नजदीक, क्या भगवान श्री राम के मंदिर के नजदीक गौ माते उस कुरड़ी पर गंध खाते हुए होनी चाहिए? कैसी दशा इस देश के अंदर होनी चाहिए? आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ विशाल गोयल, युवा भारत सन देख रहे हैं आप। कुरड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में प्रथम स्थान करने वाली एक ऐसी जगह जिसका नाम असंध, वो प्रथम आई, लेकिन वो प्रथम कैसे आई आप देख सकते हैं, स्थिति एक बार दिखा देते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर जिस पार्टी ने संघर्ष किया और राम मंदिर के नाम पर अनेकों प्रकार के जिनके नेता आंदोलन किए, जेल गए और तमाम तरह की कठिनाई जिस पार्टी के नेता ने उठाई, दुर्भाग्यवश उसी पार्टी की सरकार होने के बाद भी श्री राम का हनुमान का एक मंदिर नज़दीक है और उसी मंदिर के आगे ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौएं, श्री कृष्ण जिन गौओं की गोद में खेले वो गौएं आज उसी मंदिर के नज़दीक पड़े गंध के अंदर कुरड़ी के ऊपर गंध खाने को मजबूर है। हालांकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डंपिंग व्यवस्था नहीं है, कूड़ा यहाँ पर खुले में गिरा जा रहा है। ये सड़क की ओर आपको दिखा दें कि अभी अभी गली बनकर तैयार हुई थी, लेकिन आप कह नहीं सकती हम गली में खड़े हैं किसी कुर्डी के बीच में खड़े हैं। मंदिर भी नज़दीक है, सब्जी मंडी भी नज़दीक है, एक असंध शहर का प्रमुख स्थान होने के बावजूद इतनी गंदी व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हो, इसकी तमाम तरह की चर्चा इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या कुछ है, कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात, क्या नाम है जी आपका? महावीर बंसल जी। क्या कुछ कारण है कि बालाजी मंदिर नज़दीक इतना कुर्डी यहाँ पर बनी हुई है, गंद इकट्ठा हो रहा है? देखिए ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, हम लोगों ने कई बार नगर पालिका के सचिव को सबको कहा भी ये बालाजी मंदिर के नज़दीक है, कॉलोनी के बिल्कुल बीच में है, बे आप यहाँ गंद मत डालिए। इन लोगों की आदत है भी, इन लोगों को पता है भी हमें पैसा कहाँ से खाने को मिलेगा, यहाँ पर 100 ट्रक डलवाए जाएंगे, 100 ट्रक की आप 1800 रुपये के हिसाब से लगाएंगे, तो 18 लाख की मिट्टी का ये भर दिखा करके सचिव, MC और चेयरमैन और ऊपर वाला प्रशासन सारे इकट्ठे होकर खा जाएंगे। तो श्री राम जी का मंदिर, हनुमान का मंदिर नज़दीक लगता है, हर भक्त यहाँ पर मंदिर में आते हैं, कैसे गंध में से होकर गुजरना जाना पड़ता है? एक सरकार यहाँ पर कह रही है कि भगवान श्री राम का जहाँ मंदिर हो वहाँ तो वैसे भी गंध उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? नहीं उठाया जाता है, लेकिन वो मानते हैं हाँ। लेकिन यहाँ प्रशासन सुनता नहीं है। नी राम के जो भगत आते हैं वो इस गंध को देख करके आना भी बंद कर गए हैं, कहते हैं वहाँ मंदिर के पास इतनी गंदगी है कि हम वहाँ मंदिर में नहीं जाएंगे, हम दूसरे मंदिर में देखेंगे कहीं जाकर के बाद जी। तो इसको लेकर क्या कुछ कैसे समाधान होगा, इसका क्या लगता है? नहीं हमें तो दिखता नहीं एक भी, ये सरकार जहाँ तक अभी तक चल रही है अभी इसमें 5 साल में जो समाधान नहीं हुआ और आने वाले 1-1.5 महीने में भी समाधान हो जाएगा, हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ के विधायक वगैरह भी चेंज हो जाएंगे और सारा प्रशासन एकदम से डुबो देंगे हम, तब तो समाधान हो सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इन सबकी गुट्ठी बन चुकी है, एक सबकी उंगली फंस चुकी है भी, आप मुझे कमीशन देंगे, आप हमें कमीशन देंगे, तो उस प्रकार से ऐसे समस्या का समाधान नहीं हो सकता जी। किनका दोष है यहाँ पर इतने तमाम तरह के नगर पालिका, क्या संत के अंदर दूसरी जगह नहीं है इस जगह से हटाकर, क्योंकि शहर की मुख्य जगह है ये? नहीं जगह तो बहुत है नगर पालिका के पास, लेकिन जहाँ ये कूड़ा डालने का स्थान बनाया गया है उसे पैसे खाने का धंधा है ये, आप सब पब्लिक को जानते ही हैं वे पैसे कैसे खा जाते हैं, प्लेन कागज के ऊपर कुछ लिखेंगे तो दिखेगा, काले कागज पर लिखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, नहीं तो यहाँ गन डालेंगे इसके ऊपर, प्लेन मिट्टी डाल देंगे, फिर JCB चलाएंगे बार बार और उसका पैसा खाते में लिख देंगे जा करके। तो किस तरह से देख सकते हैं कि बड़ी दुविधा यहाँ पर है, पूरे कूड़े के ढेर पर इस समय खड़े हैं, हालांकि आपको बता दें ये सड़क पक्की बनाई गई थी हाल ही के अंदर, आप देख नहीं सकते कहाँ पर इसकी रंगीन टाइलें, इस सड़क के अंदर नजदीक है, चारों तरफ गंदी दिख रहा है। प्रधान जी बालाजी मंदिर नजदीक है, प्रशासन कुछ कार्य नहीं कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है? हमारे बंसल जी ने जो बोला है सही बोला है जी, यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ कृष्ण राधा कृष्ण का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, यहाँ आने से संगत का बहुत गंदगी महसूस करती है,
दिक्कत महसूस करती है, स्मेल बहुत है यहाँ, सफाई का कोई ध्यान नहीं है जी। तो यहाँ पर आप मौजूद रहते होंगे, यहाँ पर कूड़े को आग लगाई दी जाती है, किसी प्रकार की कूड़े को नष्ट करने की व्यवस्था नहीं है, केवल आग की सफाई से प्रदूषण लगाई क्या? जाती है। हाँ। तो हम कई बार इतना प्रदूषण हो जाता है, फायर ब्रिगेड मंगा कर उसको ठंडा करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी स्मेल नहीं जाती, स्मेल बढ़ जाती है और भी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे की स्थिति यहाँ पर देख लीजिए, बहुत गंदगी हो गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी है जी। तो गऊए भी यहाँ पर मौजूद है क्या, कुछ कहोगे आप बता दो अपनी बात है। मंडी बताओ, चलो राजन जी खड़े हैं, राजन जी इधर आ जाते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे? कहना क्या, जो सारे भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं जी। 18,80,000 रुपए का ये फर्श लगा था, उधर घुमाइयो कैमरा भी जरा, वो 18,80,000 रुपए का रामजुवारी ने ठेका लिया था जी। जी 8 अगस्त को यहाँ बख्शीश सिंह माननीय, अब तो MLA नहीं रहे, विचार संहिता लग गई, पहले MLA विधायक के तौर पे यहाँ पे आए थे, मुहूर्त करके गए थे, यहाँ पे प्लानिंग करके गए थे कि यहाँ पर रेड़ी बाजार बनाया जाएगा जी। 8 अगस्त को मुहूर्त करके गए, उस दिन के बाद एक बार तो यहाँ कोई देखने नहीं आया, नगर पालिका से आज तक कोई सफाई करने नहीं आया। जो कूड़ा था वो ऐसे कैसे कूड़ा था, जो इंटरलॉक टाइल लगी वो नीचे दबगी, वही गऊ गऊ में पहले फिरे थे वही अब वो स्टैंड बन गया सारा, ऐसे गंदगी के ढेर से कैमरा दिखा ही रहा है आपका, घुमाइए भी इधर कैमरा जरा जी, ठीक है ना। ये सारा वो जो दुकानें बनी हुई है ना, जो सामने दुकानें बनी हुई वो दिखा कैमरा, दुकानें वो सारी उधर भी चलेंगे, वो उन दुकानों का डिस्प्यूट चल रहा है जी। आज तक वो कितनी बार गेड़ा मारे है, वो करते ही को नहीं उसने चालू, हमारे से किराया मांगते हैं, कहते भी किराया दो, बंद दुकानों का क्या किराया दे, बंडल बीड़ी का तो बिकता नहीं वहाँ पे, और ये कहते हैं हमारे को किराया दे दो। हाल देख लो, अब कैमरा दिखा रहा है सारा, इस हालात में कोई गाहक यहाँ पे आएगा क्या? बिल्कुल, हम यहाँ पे अफसर जब आते हैं मुंह ढक के जाइए, बख्शीश सिंह यहाँ क्या कहते, ये घुमाइयो कैमरा इधर, बख्शीश सिंह यहाँ क्या कहता है, अभी यहाँ पार्किंग बनेगी, देखो मुंह ढक के वो जिस दिन मुर्त करने आया था ना जी, वो क्या कहता है यहाँ पार्किंग बनेगी, आज तक तो बनी नहीं पार्किंग, बताओ कोई एक ईंट भी लाइयो, वो पार्किंग तो जब बनेगी जब यहाँ कोई देखने आएगा, वो 8 अगस्त को मुर्त करके गया था, उस दिन के बाद तो आए गेड़ा को नहीं मारा इसका, नहीं बिल्कुल बनेगा क्या, नहीं गेड़ा मारेंगे कैसे, 5 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता, तो 5 मिनट के लिए उनके लिए तो 1 मिनट भी बहुत वो है, हम तो 5 मिनट 10 मिनट यहाँ खड़े हैं ना, वो कहाँ खड़े हो सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें किस किस ने अपने हाथ रंगीन किए हैं, 18,80,000 में आप जानो, प्रशासन जाने, हमें क्या पता, जब हमारी जिस समस्या के लिए लगाया गया था फर्श, वो हमारे लिए थोड़ा लगाया था, उन्होंने तो अपने लिए लगाया वो फर्श। 5 साल में आप समस्या लेकर गए हो, क्या कहा उन्होंने समाधान करने? समस्या क्या लेके जानी है, आपसे पहले हलचल वाले भी दिखा के गए हैं, टीवी वाले यहाँ पे, सत्य खबर वाले भी दिखा के गए हैं, आज तक जब जो इतना सबके सामने सामूहिक रूप से दिखाया जा रहा है, इससे ऊपर हम जाके क्या कर लेंगे वहाँ, वो तो घूमने वाली कुर्सी से उठ के जाएंगे बाहर, तो तभी देखेंगे ना कुछ, बात तो ये है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर विषय है, और 5 साल सरकार के बीतने को हो गए, अभी तक इस विषय पर नहीं हुआ। ये पीछे देख सकते हैं किस तरह से नंदी कूड़ा खाने पर मजबूर हुए हैं जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो सभी भाइयों ने किया बिल्कुल ठीक किया, इसका समाधान कराया जाए, जहाँ राम मंदिर है, राधा कृष्णा मंदिर है, अगर वहाँ संगत नहीं आएगी और सरकार इसका इतने जोर शोर से समाधान कर रही है, तो क्या करे फिर पब्लिक, क्या करेगी इस सरकार, क्या क्या करेगी? और इस जगह है जहाँ राम मंदिर है, अगर वहीं जानबूझकर प्रशासन ही गंद डालेगा तो फिर क्या करेंगी पब्लिक, उसका कोई समाधान तो निकलना चाहिए। और गौएं भी किस तरह से मजबूर हो रही हैं, गौएं देख लो बिल्कुल घास के बजाय गंद खा रही है, लिफाफे मजबूर हो रही है, मरती है, मार्केट वाले खुद उठाते हैं, बताओ अगर अफसर यहाँ आते हैं उनको तो बदबू होगा, आम आदमी कैसे गुजरेगा यहाँ से, इसका समाधान होना चाहिए, पब्लिक तो ये डिमांड करती है जी। अच्छे से अच्छा, ये सड़क नहीं बनाई गई थी, ये सड़क लग तो नहीं रहा, क्या कारण लगता है? ये सड़क बनाई तो गई थी चलने के लिए, अब ये देखने के लिए है, कूड़ा देखो, गाय भैंस देखो, यहाँ आम आदमी ने तो इस पे चलना नहीं, अगर आम आदमी के चलने के लिए ये बनाई गई थी तो इसको देख रेख की नज़र से भी रखना चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए, ये क्या कभी बुलडोजर आ गया साफ सफाई कर गया तो उससे क्या है इसका? मारी तो अपील यही है, शहरवासी सभी आते हैं मंदिर में, भाई यहाँ की साफ सफाई रहे, और हमने क्या और तो कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा रहे अच्छा लगे, भगत जन भी आते हैं, मार्केट है, दुकानें हैं, जब यहाँ बारिश हो जाती है ना तो सड़क पे भी आदमी नहीं खड़ा हो सकता, तो यहाँ कौन आएगा मंदिर के पास, दुकान पे कौन आएगा, जब दुकान खुलेंगी नहीं तो दुकानदार कहाँ जाएगा? बिल्कुल यहाँ तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है जैसे महाराष्ट्र में आ जावे। बिल्कुल, अब आप देखो आप ये देखिए पीछे आग लगाई हुई है अड़ंगे के ऊपर, आप किस तरह देख रहे, पीछे कुछ लोग रह भी रहे हैं, हालांकि बताया जा रहा है ये डेह बस्ती के अंदर ये जानी थी
सड़क पूरी होने का पूरी ना हुई और पूरा गंद बीच में खड़ा है और प्रदूषण किस तरह से होता होगा आग लगाकर देख सकते हैं, सांस लेना भी मुश्किल है इस स्थिति के अंदर। कुछ और, हाँ जी कुछ और बात रखना चाहेंगे, हाँ जी बीच में ही रहेगी सारी, क्या कुछ कहेंगे? कहना तो यही है भाई साहब, आपको दिख ही रहा है ये, इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है, नहीं इसमें कुछ बचा है कहने वाला, आप देख रहे हैं अपनी सरकार को तो क्यों नहीं दिख रहा है ये पांच साल? अरे सरकार को भी दिख रहा है पर उनको खाने का रंग मिल रहा है ना, खाना भी तो है ना, बिना खाने से ऐसे दिखेगा नहीं तो खाएंगे कैसे हो? क्या मंदिर नजदीक है, मंडी यहाँ पर है, वहीं खाने की स्थिति होनी चाहिए सरकार को, खाने को तो सरकार को जो आदमी जैसे मैं हूँ मेरे को सोचना चाहिए भाई यहाँ कबाड़ नहीं होना चाहिए, मंदिर है यहाँ, सब्जी लोग लेने आते हैं, सब्जी मंडी है, यहाँ घर हैं, निवासी हैं, इनको बदबू नहीं आती है घर वालों को, ये जो घर रहते हैं बस्ती है इसको बदबू नहीं आती है बेचारों को, ये भी तो यही रहे रहे धक्के से ऐसे कब घर छोड़ के कहाँ जाएंगे अब बेचारे। ठीक बात, तो ये सब्जी मंडी बाउंड्री वाला रेडी प्लेटफॉर्म नजदीक जीन चौक असंध का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर एक बोर्ड के माध्यम से आप देख रहे हैं कि माननीय सरदार बख्शी सिंह विरक विधायक हल्का असंध के कर कमलों द्वारा ये इसका 8/6/2018 को संपन्न हुआ था। और संपन्न क्या हुआ है नीचे अब दिखाते हैं आपको क्या चीज़ संपन्न हुआ है। ये पीछे दुकानें हैं जो कि दुकानें बंद पड़ी है, किसी भी दुकान का ताला खुला हुआ नहीं है और जिसका खुला हुआ है उसके अंदर कितना गंद है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और हालांकि ये दुकान की समस्या ये बताई जा रही है कि इन दुकानों का किराया नगर पालिका मांग रही है कि दुकानदारों से हमें किराया दो, किराया किस चीज़ का कि आपने जो कीमती गंध था उसको अपनी दुकानों में संभाल कर रखा, इस चीज़ का नगर पालिका किराया मांग रही है, ऐसा ये दुकानदार बता रहे हैं जिनको ये दुकान मिली थी किराए पर। और आपको दिखाएं ये बाउंड्री वाल थी जो नीचे देख रहे हैं, ये पक्की टाइलें यहाँ पर लगाई गई थी कई लाखों के माध्यम के द्वारा, यहाँ पर इसका कार्य हुआ था, यहाँ पर रेडियां लगनी थी बाउंड्री वाल के अंदर, लेकिन हो क्या रहा आप देख सकते हैं किस तरह से गौएं गंद के अंदर बीच में बैठी है। भाई साहब से जानते हैं जी क्या कुछ यहाँ पर वादा किया गया था और क्या हुआ? ये वादा तो आपके सामने है, इसको अपना स्वस्थ दिखाने का वादा किया गया था यहाँ, ये उसका सब्जी मंडी का एरिया है जितना लगभग है, यहाँ पर यहाँ टाइलें बिछाई गई थी, इनका ग्रांट भी आया था, ये सरकार है यहाँ पर हरियाणा के अंदर बीजेपी की, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा करते हैं स्वस्थ भारत स्वच्छ मिशन का जो नारा था वो आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण है जी, यहाँ पर कितना सारे शहर का गंद उठा करके यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पर एक हमारे श्री हनुमान जी का मंदिर है, माँ शक्ति का मंदिर है, श्री शनिदेव जी का मंदिर है, तो इस पावन धरती पर ये इतना सारे शहर का गंद उठा कर यहाँ पर डाल दिया जाता है, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। बिल्कुल, तो पीछे गौएं भी है गंद में, सूर भी वहां पर है, प्रशासन को दिख नहीं रहा इसका, लेकर प्रशासन क्या है तो सारा अपना अपना जेब भरने के लिए बैठे हुए हैं, सभी को अपना दिखता है, बोलते हैं ना यहाँ भाई भ्रष्ट नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, सारा जीता जाता उदाहरण है यहाँ पर, ये भ्रष्टाचार की ही देन है ये सारा कुछ। हम यहाँ 5-10 साल रह रहे हैं तो ये बिल्कुल खाली था, बिल्कुल साफ था, तो ये बढ़ते इसे के साथ कर दिया, जो मिट्टी का पैसा वो ये जो कुछ भी है ना प्रशासन ने कर रखा, मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है। हम ये देखे पीछे बाउंड्री थी बिल्कुल खाली थी, सारा बर्तिश कर गया, सारा मिट्टी का पैसा खा गया। गंभीर समस्या आई है, उम्मीद है कि चुनाव में अगर व्यक्ति अगर आगे आप किसी को वोट दे रहे हो तो असंध के इन मुद्दों पर आपको चर्चा हो, असंध के वो मुद्दे हम आपको दिखाएंगे, काम हुआ है वो भी दिखाएंगे, जो नहीं हुआ वो भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति बिल्कुल दयनीय है। आप चुनाव में अगर अगली बार वोट दे रहे हो तो ये देख कर दें, आपके पास कोई नेता है तो उनसे पूछें क्या भगवान श्री राम के चरणों के नज़दीक, क्या भगवान श्री राम के मंदिर के नज़दीक गऊ माते उस कुर्डी पर गंद खाते हुए होनी चाहिए, कैसी दशा इस देश के अंदर होनी चाहिए जिस देश के अंदर तमाम तरह के नेता स्वामी प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी समेत ऐसी पार्टी के नेता जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए हृदय हित के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे लोगों के लिए क्या इस सरकार में दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार के अंदर राम मंदिर के लिए तो हमने संघर्ष किया और चंद दिनों के अंदर भगवान श्री राम भव्य मंदिर में होने वाले हैं, लेकिन जिस असंध के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर नज़दीक है उसके बाद भी भगवान श्री राम को हम क्या दे रहे हैं कि कुरड़ी भरा एक ऐसा गंद यहाँ पर परोसा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और चुनाव के बाद अगली सरकार जब भी जो भी काम करने में आए चाहे वो कोई भी हो उसको लेकर तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।